लेट्स व्हाट आर द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस, हम लोग एक बार आंसर देखते हैं इनके। यू क्लोज द डोर एट नाइट, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यू क्लोज द डोर एट नाइट, मीन्स आपको रात के दौरान दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। मीन्स चाहिए तो कंपल्सन है, मीन्स जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो हम लोग यहाँ पर आंसर की बात कर लेंगे ए, मस्ट मॉडल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू डैश वॉच टीवी टू मच, क्या तुमको बहुत ज़्यादा टीवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? टू मच, तो हम लोग यहाँ पर नॉट वाला देखेंगे। नॉट में हम लोगों का कोई सा भी नहीं आ रहा है और हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द शुड नॉट आंसर। दीज आर द राइट आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन फॉर यू लास्ट सेशन। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप एक बार इसका स्क्रीन शॉट लें, राइट आंसर इसके लिए आप लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। आज का जो मॉडल है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ही यूजफुल मॉडल है और आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है उसको सबको दूर कर देगा आज का जो मॉडल है। अगर आप आज की क्लास ले लेते हो आई गारंटीड फॉर यू आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं एक ही साथ में, मैं दो मॉडल की बात करने वाला हूँ। फर्स्ट मॉडल है आप लोगों का शैल, सेकेंड मॉडल है आप लोगों का विल। एक तो है शैल और एक विल, दोनों का जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। शैल और विल जो मॉडल हैं इनका यूज हम लोग करते हैं फ्यूचर टेंस में। ओके, शैल और विल जो मॉडल हैं इनका एक बार हम लोग देख लेते हैं। शैल का हम लोग यूज करते हैं पर्सन की, मैं बात करता हूं आपसे, शैल का हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में और विल का जो यूज करते हैं हम लोग वो करते हैं सेकंड में और थर्ड पर्सन में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखें शैल और विल मॉडल फ्यूचर टेंस में यूज में होते हैं और हम लोग दोनों का यूज करते हैं। शैल का तो हम लोग करते हैं फर्स्ट पर्सन में और बाकी के जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो भी हैं वहाँ पर हम लोग विल का यूज कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मीन्स मैं बात कर सकता हूं आपसे आई और वी। सेकंड पर्सन की मैं बात करूं आप लोगों से तो केवल यू। थर्ड पर्सन की मैं बात करूं आप लोगों से ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम वगैरह होंगे तो ये सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक साथ में दो मॉडल मैं करवा रहा हूँ, शैल मॉडल और विल मॉडल। शैल और विल दोनों का यूज फ्यूचर टेंस में होगा। फर्स्ट पर्सन में हम लोग यूज करते हैं शैल का, सेकंड और थर्ड पर्सन में हम लोग यूज करते हैं विल का। लेकिन हम लोग यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये बात हम लोग बात करें कि अगर हम लोगों के लिए जनरल कोई बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी जनरल हम लोग बात कर रहे हैं मीन्स हम लोग कोई नॉर्मल बात कर रहे हैं, मीन्स हम लोग अगर कोई सामान्य बात कर रहे हैं तो हम लोग यूज करते हैं शैल का और विल मॉडल का। कैसे यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ इसका, सेकंड पर्सन के साथ में इसका, एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। आई शैल बी अ टीचर नेक्स्ट ईयर, दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, वी शैल प्रिपेयर दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ। एक एग्जाम्पल और हम लोग बात करें, ही विल बी 16 नेक्स्ट वीक। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर थ्री एग्जाम्पल्स, मैंने आप लोगों के लिए थ्री एग्जाम्पल्स लिखे हैं।
हम लोग इनकी बात करते हैं कि हम लोग कैसे इनका यूज़ करते हैं। एक बार अगर हम लोग बात करें तो आई के साथ में हम लोगों ने शैल की बात कर ली है, वी के साथ में शैल की बात कर ली है, थर्ड पर्सन आते ही हम लोगों ने बात कर ली विल की। एक और ले लो यू का, यू विल रीच देयर ऑन मंडे, यू विल रीच देयर ऑन मंडे। स्टूडेंट्स आप लोग अगर देखें तो शैल और विल दोनों मॉडल का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, एक ही साथ में किया है। हम लोग आई के साथ में शैल लगा रहे हैं, वी के साथ में शैल लगा रहे हैं, ही के साथ में विल लगा रहे हैं और यू के साथ में हम लोग विल का यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों को डेफिनेटली ये याद हो जाना चाहिए कि हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ में तो शैल का यूज़, बाकी सभी के साथ में हम लोग विल का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जो आगे जो बात आप लोगों के लिए समझाने जा रहा हूँ उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। आप अपने सेलफोन की जो वॉल्यूम है थोड़ी सी अप कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट जो बात है वो आपको समझ में आ जाए। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम लोग आगे की बात करें। हम लोग बात करेंगे शैल और विल। अब हम लोग बात करते हैं कि मॉडल में इनका यूज कैसे होगा। स्टूडेंट्स अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होने की ज़रूरत है। एक्चुअली टुडे एज आई टोल्ड यू इन, जब मैं आया था आपको बताया था टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके हम लोग बात करते हैं शैल की और विल की। ये अगर इनका यूज कैसे होता है, देखो इनका अपोजिट यूज हो जाएगा। शैल के साथ हम लोग यूज करेंगे सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, विल के साथ हम लोग केवल यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन। मूड के रूप में मीन्स जब ये मॉडल्स के रूप में आएंगे तो हम लोग इनका अपोजिट यूज करेंगे। अपोजिट जब यूज होगा तो ये मॉडल होंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग आई के साथ में विल का यूज करें तो वो मॉडल होगा। कंडीशंस क्या होंगी मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं कि अगर हम लोगों के लिए क्या दिया हुआ है, अगर हम लोगों के लिए थ्रेट दिया हुआ है, हम लोगों के लिए कोई भी वार्निंग दी हुई है। स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए कोई प्रॉमिस है, डियर स्टूडेंट्स अगर हम लोगों के लिए कोई डिटर्मिनेशन है, डियर स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए कोई थ्रेट है, वार्निंग है, प्रॉमिस है, डिटर्मिनेशन है, हम लोगों के लिए कोई विलिंगनेस है, ठीक है। हम लोगों के लिए अगर ये कुछ बातें दी हुई हैं, थ्रेट हो गया, वार्निंग हो गया, प्रॉमिस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, विलिंगनेस हो गया, अगर मैं बात कहूं आप लोगों से इंटेंशन हो गया, स्टूडेंट्स अगर हम लोगों के लिए 5-6 बातें दी हुई हैं तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम लोग वहां पर मॉडल का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने भावों को यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे। थ्रेट का मतलब होता है मींस कोई धमकी से रिलेटेड कोई बात है, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, प्रॉमिस मतलब वादा, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय मींस रेजोल्यूट होना, ठीक है। हम बात करें विलिंगनेस इच्छा व्यक्त करना, हम बात करें इंटेंशन इरादा, अगर हम लोगों के लिए इनसे रिलेटेड कोई बात है तो हम लोग यूज करेंगे शैल मॉडल का और विल मॉडल का। एक्चुअली एज आई टोल्ड यू इन माई इंट्रोडक्शन क्लास दैट मॉडल पर कोई भी नंबर का कोई भी पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये दो मॉडल हम लोगों के लिए ऐसे हैं जिन पर नंबर का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर इनसे रिलेटेड कोई मूड है तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे शैल मॉडल का या विल मॉडल का, लेकिन शैल और विल मॉडल का जैसे टेंस में यूज होता है वैसे नहीं, यहाँ पर इनका अपोजिट यूज हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन के साथ तो विल का, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग शैल का यूज करेंगे। लेट्स मूव फॉर सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिखता हूं, एक कम ऑन टाइम और द बॉस डैश फायर यू, दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और लिखता हूं मैं आई डैश फायर यू, और मैं बात करूं यहां पर
इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास द एग्जामिनेशन. इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास द एग्जामिनेशन. ठीक है, एक एग्जाम्पल की और मैं बात करूं तो मैं आप लोगों के लिए लिख सकता हूं, जैसे कि और बात करें हम लोग बी डैश फाइट टू लास्ट, बी डैश फाइट टू लास्ट. और अगर मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल और आप लोगों के लिए दूं मैं, तो मैं बात कर सकता हूं आई डैश नेवर नेवर फॉरगेट यू इन माई लाइफ. आई हैव रिटन फॉर यू दिस 1 2 3 4 5 फाइव एग्जाम्पल मैंने लिखे आप लोगों के लिए. एक और मैं बात कर लेता हूं यहां पर डैश हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी. डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव रिटन हियर फॉर यू दिस 6 एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करते हैं. कम ऑन टाइम और द बॉस डैश फायर यू. फायर का अगर आप लोगों के लिए अर्थ नहीं पता है, फायर का मतलब मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ. आज हम लोग जो यूज लेते हैं वो लेते हैं डिसमिस. मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग बात कर लेते हैं, इसको फायर बोलते हैं. ठीक है, कम ऑन टाइम और द बॉस शैल, क्योंकि थर्ड पर्सन है. वैसे तो यहाँ पर आता विल, हम लोगों ने किसका यूज कर दिया, मॉडल के रूप में आ गया. ये मीन्स यहाँ पर धमकी दी जा रही है, समय पर आओ नहीं तो बॉस तुमको नौकरी से निकाल देगा. यहां पर और का मतलब ये नहीं है, समय पर आओ या नहीं, इसका मतलब है नहीं तो. चलो, आई डैश फायर यू, आई के साथ में हम लोग यहां पर यूज कर देंगे विल का, क्योंकि थ्रेट दी जा रही है. इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास इन द एग्जामिनेशन, यदि तुम मेहनत करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे. यू विल. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वी फाइट टू लास्ट, वी विल फाइट टू लास्ट. ठीक है, आई नेवर फॉरगेट यू इन माई लाइफ, मैं तुमको मेरे जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता हूँ. ठीक है ना, सर, आई नेवर फॉरगेट, या इसको ऐसे लो आई नेवर फॉरगिव, मैं तुमको मेरी लाइफ में कभी माफ नहीं करूंगा. आई विल. आई डैश हेल्प यू इन योर डिफिकल्टी, आई विल. प्रॉमिस किया जा रहा है. मीन्स स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये 5-6 बातें याद रखनी है कि अगर आप लोगों के लिए कोई थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, इंटेंशन, कमांड भी हो सकता है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं विल मॉडल का, या हम लोग बात करते हैं यहाँ पर शैल मॉडल की. प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें. अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हम लोग शैल का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे. ये तो दोनों का कॉमन यूज़ हो गया. अब 2-3 बातें और हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को गारंटीड कह रहा हूँ कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. भाई शैल और विल, देखो जैसा मैंने आप लोगों के लिए बताया, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट में हम लोगों के पास में 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस एक्चुअली. क्या आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वहां पर ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको. जैसे कि मैं बात करूं आप लोगों के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं विल मॉडल का. जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, वुड मॉडल का, या हम लोग यूज कर सकते हैं कुड मॉडल का. मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग, डियर स्टूडेंट्स, हमको ध्यान रखना है कि हम लोग
तीनों मॉडल का यूज कर सकते हैं, विल का कर सकते हैं, वुड का कर सकते हैं और हम लोग कुड का भी कर सकते हैं। कैसी रिक्वेस्ट होगी इसमें, या तो प्रेजेंट की या हम लोग बात करें यहां पर फ्यूचर की। ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर की अगर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग विल मॉडल का यूज कर सकते हैं, वुड का कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लेन करता हूं इनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखता हूं यहां पर, डैश यू लैंड मी 1000 रुपीज, फॉर परचेजिंग बुक्स, फॉर परचेजिंग बुक्स। डैश यू लैंड मी 1000 रुपीज फॉर परचेजिंग बुक्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, डैश यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वॉटर वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग। सेम एग्जाम्पल लिख रहा हूं, डैश यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वॉटर। आई हैव रिटन यू दीज थ्री एग्जाम्पल्स। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, डैश यू परचेज अ लैपटॉप फॉर मी, 1 2 3 4 एग्जाम्पल लिख दिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, डैश यू चेक माई नोटबुक प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम लोगों के पास में विल मॉडल होता है तो हम लोगों के पास में वी हैव थ्री ऑप्शंस, या तो हम लोग यूज करें विल का, वुड का या कुड का। एक्चुअली नाउ हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, विल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो सभी में हम लोगों को विल भरना है, वुड भी भर सकते हैं और कुड भी हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को दो एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी। तो इसमें तो हम लोग कर देंगे यूज विल का, ठीक है, इन दोनों को हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद समझेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल जो है, डैश यू परचेज अ लैपटॉप फॉर मी, तो यहाँ पर हम लोग विल का भी यूज कर सकते हैं, वुड का भी कर सकते हैं और कुड का भी कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी विल का भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रहेगा वो हम लोग बात करें तो वुड का यूज़ करेंगे। ओके, अब हम लोग बात करें, सेम एग्जाम्पल है, लेकिन अगर यही बात हम लोग अपनी वाइफ को बोल रहे हैं और या हम हमारी मदर को बोल रहे हैं, तो दोनों में ही चेंजिंग हो जाएगी, दोनों मॉडल का अर्थ चेंज हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, जैसे कि वाइफ के और जब हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग यूज कर देंगे यहाँ पर विल का, लेकिन अगर सेम बातें अगर मदर को बोली जा रही हैं तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे वुड मॉडल का। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। दो बातें आप लोगों के लिए बता दी मैंने, एक तो जब हम लोग जनरल बात कर रहे होते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फ्यूचर के रूप में, या फिर हम लोग थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन, विलिंगनेस, तो हम लोग शैल और विल का यूज करते हैं, लेकिन वो अपोजिट यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट जब होती है तो वी हैव थ्री ऑप्शंस, विल मॉडल, वुड मॉडल और कुड मॉडल, इस तरीके से हम लोग इनका यूज करते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। एक जो लास्ट जो है वो हम लोग एक और बात करते हैं कि हम लोग शैल या विल मॉडल में से किसका यूज करेंगे। लास्ट हम लोग बात करते हैं, यहां तो हम लोग कर रहे हैं विल का यूज,
तो हम लोग शैल का यूज़ करेंगे, कहाँ पर करेंगे कि अगर हम लोगों के लिए कोई भी लीगल कोई बात आ जाए, कोई भी हम लोगों के लिए कोई भी लीगल कोई भी बात कैसी आ जाए, हम लोगों के लिए लीगल नोटिस आ जाए भाई, या मैं बात करूं आप लोगों से लीगल नोटिस एलिजीएल लीगल नोटिस आ जाए, या हम लोगों के लिए कोई आ जाए ऑफिशियल रेगुलेशन, आप लोग इसको बिल्कुल स्टार लगा करके लिख लें। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है और आता ही है भाई ये। आप लोग देखें कि अगर हम लोगों के लिए कोई भी अगर हम लोगों के लिए कोई भी लीगल नोटिस या ऑफिशियल रेगुलेशंस है तो स्टूडेंट्स हम लोगों को वहां पर यूज करना है। कौन सा मॉडल यूज करना है मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। वहां पर हम लोग यूज करेंगे मॉडल शैल। कौन सा यूज करेंगे? शैल मॉडल का हम लोग वहां पर यूज करते हैं। अगर हम लोगों के लिए लीगल नोटिस या ऑफिशियल रेगुलेशन है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कौन से मॉडल का? शैल मॉडल का यूज हम लोग करते हैं। जैसे मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं द कैंडिडेट शैल सबमिट, एक एग्जांपल है द कैंडिडेट शैल सबमिट थ्री कॉपीज ऑफ हिज और हर थीसिस। दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। द कैंडिडेट शैल सबमिट थ्री कॉपीज ऑफ हिज और हर थीसिस। द टेनेंट शैल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हम लोग। द टेनेंट shall एक जैसे सर्कुलर में आया हुआ है the tenant shall maintain the rented accommodation। That's your second example। The tenant shall maintain the rented accommodation in the good condition। In the good condition। That's your second example। ऐसे हम लोग एक example की और बात कर रहे हैं। Citizens of India। Citizens of India shall respect the Constitution of a country। आप लोग देखें citizens of India shall respect the Constitution of India। वैसे ही अगर हम लोग एक और बात करें द एम्प्लॉइज trespassers shall be prosecuted। हम लोग एक एग्जाम्पल और लें तो क्या है trespassers? trespassers shall be prosecuted। आप लोग देखें शैल बी प्रोस्टिक्यूटेड। CUTED। यस नाउ आप लोग समझे एक बार कि ये फॉर एग्जांपल्स आप लोग देखें लीगल नोटिस है, ऑफिशियल रेगुलेशंस है, मींस कानूनी कार्रवाई से रिलेटेड जितनी भी बात होती है वहां पर हम लोग शैल मॉडल का यूज करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो
आप लोगों ने कोई परमिशन लेटर वगैरह देखे हैं तो उनके पीछे लिखा होता है कैंडिडेट शैल, कैंडिडेट शैल, कैंडिडेट शैल, इस तरीके से लिखा होता है कैंडिडेट शैल टेक अ ब्लू पेन, एक ब्लू पेन लेकर के आएगा, कैंडिडेट शैल डार्क कोई भी सर्कल है उसको डार्क करना है तो शैल्स का यूज़ होगा। वैसे ही लीगल नोटिस होते हैं तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, मींस हम लोग वहाँ पर शैल मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे कि द कैंडिडेट शैल सबमिट 3 copies ऑफ हिज और हर थीसिस, तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली शैल मॉडल की। द टेनेंट शैल मेंटेन द रेंटेड अकोमोडेशन इन द गुड कंडीशन, सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड, ये हम लोगों ने बात कर ली है। अगर ये हम लोगों के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान होगा हम लोग वहाँ पर शैल मॉडल का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने आंसर्स, अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर लिख करके दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके लें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, फॉर योर कमेंट्स, कमेंट्स की मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने कमेंट्स मुझको ज़रूर दें भाई। कुछ एग्जाम्पल्स जो आप लोगों के आए हुए हैं मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए। यू डैश एंटर, यू डैश नॉट एंटर इन माय क्लास, आई forbid it, that's your first example। एक आप लोगों के लिए example है ये, the record dash be maintained। second आप लोग लिख ले, the record dash be maintained of all the students, maintained of all the students of school। these are two examples for you। option अगर आप लोग लेना चाहें तो लिख सकते हो will shall, इसका ले लो will shall may might। इसके भी अगर ऑप्शन की बात करें हम लोग, सेम ऑप्शन ले लो will shall may d है might। डियर स्टूडेंट्स।